आज का जो टॉपिक है जैंगो में, वो बेसिकली हम लोग यूज करने जा रहे हैं सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। ठीक है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन में सोशल मीडिया का यूज करके लॉगिन परफॉर्म करेंगे। लॉगिन परफॉर्म करने का मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन जो बनेगी वो एप्लीकेशन के अंदर गिथब अकाउंट या फेसबुक अकाउंट इस तरीके का कुछ लगा होगा, और उसके थ्रू हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो इस काम को करने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सेटिंग्स हमें यहाँ पर अप्लाइड करनी होगी। ओके गाइस, क्लियर है? तो एक नया चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको अपनी जेंगो एप्लीकेशन बनानी है और उसके अंदर आपको कोई सोशल मीडिया इंटीग्रेशन करवाना है, तो वो काम आप कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कितने लोगों के पास अभी मशीन है? अभी कितने लोग मशीन पर काम कर रहे हैं? जस्ट टाइप यस। जो लोग मशीन पे काम कर रहे हैं जस्ट टाइप यस। ओके नवीन, मृत्युंजय, तो आई एम जस्ट लॉकिंग द मीटिंग नाउ। ओके, आफ्टर 3 मिनट्स आई विल लॉक द मीटिंग। तो मीन वाइल व्हाट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डू वन थिंग। कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें बेसिकली एक एप्लीकेशन ऐड करवानी है, या जिसको हम सिंपल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक चीज ऐड करवानी है जिसको हम पिप बोल रहे हैं। ठीक है, तो पिप ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं पिप इंस्टॉल सोशल ऑथ ऐप डीजेंगो। ठीक है, हमें ये ऐप ऐड करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल सोशल ऑथ ऐप डीजेंगो। और इसको हम जब ओपन करेंगे तो हम अपने जेंगो के अंदर आएंगे, और जेंगो के अंदर आने के बाद टर्मिनल ओपन करेंगे। ओके गाइस, और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहां पर हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल सोशल ऑथ ऐप डी जेंगो, ये लाइब्रेरी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर ये लाइब्रेरी हम ऐड करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्टअप करेंगे, तो ये काफी सारी चीजों को ऐड कर देगा। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पर एडेड हो जाएंगी। तो ऑलरेडी हमने इसको पहले से ही एडेड कर रखा हुआ है, सो इट इज शोइंग ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इस वजह से हमें इसको अलग से कुछ नहीं करना, हम सीधे इसको यूज करना शुरू करेंगे। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इसको ऐड करिएगा और ऐड करके बताइए कि हाँ कंप्लीट हो गया कि नहीं। ठीक है, आपको ये लिखना है आई एम शेयरिंग द कोड, आई एम शेयरिंग द कोड टू एवरीवन। आपको जो लोग मशीन पे काम कर रहे हैं वो ये लिखे पिप इंस्टॉल सोशल ऑथ ऐप डीजेंगो, ये पिप इंस्टॉल कर ले सभी लोग। जो लोग कर ले हैं, जिन लोगों ने मशीन पे कर रहे हैं वो लोग ऐड कर लीजिएगा और जस्ट डन रिप्लाई कर दीजिएगा जब ये आपको ऐड कर दिया जाए, मतलब ये आपका जब ऐड हो जाए आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, जस्ट टाइप डन व्हेन यू कंप्लीटेड। मीनवाइल उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर आपको एक गिथब अकाउंट बनाना पड़ेगा। सभी लोगों के पास गिथब अकाउंट है कि नहीं है? सब लोगों के पास गिथब अकाउंट है कि नहीं है? सभी के पास गिथब अकाउंट है कि नहीं है? यस और नो? ओके, तो मृत्युंजय एक गिथब अकाउंट फटाफट जल्दी से बना लो, एक गिथब अकाउंट क्रिएट कर लो फटाफट github.com पर। शिवानी गुड मॉर्निंग। तो शिवानी फटाफट एक गिथब अकाउंट क्रिएट करिए, www.github.com पर जाके एक अकाउंट क्रिएट करिए फटाफट जल्दी से।
एंड व्हेन यू जस्ट कंप्लीटेड टाइप डन, जब आपका अकाउंट बन जाए तो बता दीजिएगा कि हाँ कंप्लीट हो गया। Guys, just close your video. Just close your video. तो डन एवरीवन, इस तरीके का आपके पास वो बन जाएगा, एक एप्लीकेशन आ जाएगी इस तरीके से आपको रन करने के लिए मिल जाएगा। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? ओके डन, वेरी गुड वेरी गुड मृत्युंजय, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो इस तरीके से आपका पूरा एक गिथब अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। और गिथब अकाउंट मिलने के बाद जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइज, आई जस्ट चेंज दीज थिंग्स।
Okay. So now this is my profile. This is my GitHub profile. Now अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक app create करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें अपने लिए एक app create करनी पड़ेगी first of all, जिसको हम यहाँ पर register करवाएंगे, ठीक है। तो register कराने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो आपका account बन गया है, ठीक है, यहाँ पर account में जाके settings में जाइएगा, सबसे नीचे settings दिया होगा, ठीक है। सेटिंग्स मिल गया है सबको नीचे, यहां पर इस तरीके का एक पेज मिल रहा होगा आपको। ओके, सभी लोगों को मिला? नहीं, गाइस प्लीज टेल मी। यस शिवानी, मृत्युंजय, मृत्युंजय, ओके शिवानी आपको मिला? बाकी लोगों को, बाकी लोग जो लोग मशीन पे काम कर रहे हैं, क्या उनको फाइंड आउट हुआ है? यस और नो प्लीज टाइप यस और नो। ओके, नाउ अब यहां पर सबसे नीचे दिया हुआ है एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस पे क्लिक करिएगा। और यहां पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन जैसे यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर हमने एक डिजेंगो ऐप बना रखी थी पहले के लिए, ठीक है, तो इसको हमने रजिस्टर कराया था। तो यहां पर आपको हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस मिल जाएं, हो सकता है, वैसे तो नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उसको ऐड नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आप अगर ऐड करवा रहे हो तो ठीक है, नहीं ऐड करा रहे हो तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो भी आपकी एप्लीकेशंस होंगी यहाँ पर, वो आपकी एप्लीकेशंस इस समय यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। ओके गाइस, यस और नो, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो यहां पर इंस्टॉल्ड एप्स अभी आपको खाली मिल रहा होगा, और यहां पर आपको ऑथराइज गिथब एप्स जो होगा वो खाली मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक ऐप क्रिएट करनी होगी, तो गिथब ऐप क्रिएट करवानी होगी, ठीक, और उसको हम यहां पर ऐड करवाएंगे। इज दैट ओके? तो गिथब ऐप ऐड करने के लिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस के अंदर जाएंगे और यहां पर लिखा हुआ है न्यू गिथब ऐप, एप्लीकेशंस के अंदर गए और यहां पर आपको ऑथ ऐप क्रिएट करनी है। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमारे पास एक ऐप क्रिएटेड है और यहां पर हमारे पास उसकी क्लाइंट आईडी बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक ऐप क्रिएट करनी। लेट मी शो यू समथिंग। यहां से आप न्यू ऐप पे क्लिक करेंगे, इस जगह पर गिथब न्यू ऐप, यहां पर आप उसका नाम दे दीजिएगा, यहां पर आप उसका नाम दे दीजिएगा, यहां पर उसका यूआरएल दे दीजिएगा। यूआरएल कैसे देंगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, देखो यहां पर आप जो भी नाम देना चाहते, मतलब जो भी नाम देंगे उसके साथ में उसका यूआरएल सेट करना पड़ेगा। तो वो यूआरएल आप कुछ ऐसे सेट करेंगे, http://, जैसे हमने लिखा सपोज django-app.universal.com, ये आपने ऐड कर दिया, तो ये आपकी गिथब की वेबसाइट होगी। तो यहां पर ये लिखा हुआ है फुल यूआरएल टू योर गिथब एप्स वेबसाइट, ठीक है, यानी कि जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, जो भी कुछ आप बना रहे हो उसके लिए कंप्लीट यूआरएल आप सेट कर दीजिए, ठीक है। यस और नो, क्लियर है?
और इसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस एक्टिव को हटा दीजिएगा क्योंकि अभी हम इसको एक्टिव नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाइएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको क्रिएट गिथब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है तो यहाँ पर क्रिएट गिथब ऐप लिखा हुआ है, इसको क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, यस और नो गाइस, टेल मी, समझ में आया? यहां से आप एक नई ऐप क्रिएट कर लीजिएगा। हो गई सभी की ऐप क्रिएटेड? सभी ने ऐप क्रिएट कर ली अपनी? यस मृत्युंजय, शिवानी, हैव यू डन इट? बताइए दोनों लोग, यस नम्रता, नम्रता आपने किया, नम्रता फेरोज, आप लोगों ने कर लिया कि नहीं अभी तक? ओके, सो आई होप आप लोगों का क्रिएट हो गया होगा, इस तरीके से एक ऐप क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। तो इस ऐप के ऊपर जाके आपको क्या करना है, यहां पर देखिएगा, जैसे ही आपकी वो ऐप क्रिएट होगी आपको ऊपर एक क्लाइंट आईडी मिल जाएगी, इस तरीके से एक क्लाइंट आईडी मिलेगी और उसके बाद यहाँ पर एक सीक्रेट की मिलेगी। मिल गई सभी को? ठीक है, ऐप शो नहीं हो रहा? कहां पर ऐप शो नहीं हो रहा है? अभी हम दिखा दे रहे हैं, रुको, अभी हम दिखा दे रहे हैं, पहले इतना क्रिएट कर लीजिए जितना बता रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा हो ना डीजेंगो ऐप इस नाम से, और फिर इसके बाद यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें इस तरीके से अपना एक यूआरएल दे देना है, djangoappuniversal.com। जैसे आपने यहाँ पर दिया तो आप कुछ भी नाम रखिएगा इस तरीके से वेबसाइट का, और यहाँ पर यूजर वो लिखा ऑथराइजेशन कॉल बैक यूआरएल, तो इस तरीके से कॉल बैक यूआरएल आपको डालना पड़ेगा। हो गया, ठीक। और जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा ही इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जैसे हमने यहां पर लिखा है एग्जैक्टली वैसे का वैसा इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आई एम शेयरिंग दिस थिंग ऑन योर चैट विद एवरीवन, ये ऐसे का ऐसा ही लिख दीजिएगा 127.0.0.1:8000:o@/complete/github, ठीक है। और ये आपका यहां पर ऐड कर देना है यूजर ऑथेंटिकेशन कॉल बैक, ठीक है। इतना करने के बाद यहां पर वेबहुक लिखा होगा तो वेबहुक को
अनचेक कर दीजिएगा और यहाँ से शेप चेंजेस यानी कि यहाँ से आप अपना लोगो वगैरह जो भी कुछ लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? और यहां से इसको सेव चेंजेस करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नई ऐप क्रिएट करवा लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक नई ऐप बन गई है। ठीक है, तो जितनी भी इंस्टॉल्ड एप्स होंगी यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया तो इस जगह पर गिटहब पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको वो ऐप दिख जाएगी कि हाँ यहाँ पर आपकी ऐप बन गई है। ठीक है, तो ऑथ एप्स जो होंगी, ऑथ एप्स यहाँ पर बनी हुई है। देखो डिजैंगो ऐप लिखा हुआ है, ये डिजैंगो ऐप लिखा हुआ है, ये आपकी ऑथेंटिकेशन ऐप है। ठीक, ये ऑथेंटिकेशन ऐप है, यही आपको यूज करनी है। ठीक, एप्लीकेशन का नाम दे दीजिएगा, जो भी आपको नाम देना है वो ऑथेंटिकेशन के लिए नाम दे दीजिएगा, ये सारी चीजें। तो क्लाइंट आईडी मिल जाएगा, क्लाइंट आईडी मिलने के बाद आपको यहाँ पर अपना इमेज अपलोड करना है, ये सारी चीजें करनी है। Is that clear? Is that clear, everyone? ठीक है, यहां से हमने इसको अपडेट कर दिया और इसके बाद सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो जैसे ही आप सेटिंग्स में आएंगे आपको यहां पर एप्लीकेशंस के अंदर आपको एक ऐप दिख जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ऐप यहाँ पर नहीं आ रही है तो इसको हमें इसका मतलब फिर से नया क्रिएट करना होगा। तो इसके अंदर नहीं है, सभी लोगों ने बना लिया कि नहीं बनाया? सभी लोगों ने बना लिया? यस ओ नो प्लीज टाइप यस ओ नो, इज दैट ओके विद एवरीवन? तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू टेस्ट ऐप। देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, गाइस टेल मी, प्लीज टेल मी यस ओ नो, इज दैट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? बन गया सभी का? Guys, please tell me yes or no. मृत्युंजय, शिवानी, please बताएं। होम पेज इनवैलिड बता रहा है? होम पेज इनवैलिड कैसे बता रहा है?
देखो यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कैसे बनाना है। यहाँ पर अपने प्रोफाइल क्रिएट करो, प्रोफाइल के अंदर जब जाओगे, यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर जब जाओगे तो इस जगह पर आपको मिलेगा सेटिंग्स, ठीक है। किस चीज की लिंक शेयर करते हैं डियर पंकज? ओके, होम पेज यूआरएल। यहां पर आप लिखना गिथब, github.com login। तो यहां से आप इसको क्रिएट कर लीजिएगा। तो github.com login पे जब आप जाओगे तो यहां पर आपको ये लॉगिन करने के लिए कर दे क्या भेज देगा, ठीक है। या फिर आप यहां पर जा सकते हैं, ये वाला यूआरएल लिखा हुआ है, इस यूआरएल पर चले जाइएगा। हो गया सबका? हो गया सबका? यस और नो प्लीज टाइप यस और नो, इज दैट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? Is that clear guys? हो गया कि नहीं हुआ? Please answer तो करिए। चलिए यहां पर हम एक नया app बना देते हैं, या create GitHub app, या create new GitHub app। हम यहां पर एक नया app बना दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा यहां पर testing, ठीक है, Django app, ठीक है, ये हमने यहां पर नाम लिख दिया। और इस नाम के बाद यहां पर होम यूआरएल दे देंगे, तो होम यूआरएल आप कुछ भी दे देगा, http://django-app.universal.com। ये हमने अपना डोमेन दे दिया, ये हमारा होम पेज यूआरएल होगा। फिर अगर ऑथराइज करना है तो यहां पर हम लिखेंगे http://127.0.0.1:8000/,
ठीक है, तो ये हमारा ऑथराइजेशन यूआरएल होगा। ठीक, अब इसके बाद ऑथराइजेशन यूआरएल के लिए हमने आपको पहले ही शेयर कर दिया है कि ऑथराइजेशन यूआरएल ये पूरा लिखना पड़ेगा इतना, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे पूरा ऐसे का ऐसा। ठीक, और एक्टिव हटा देंगे यहां से, इस एक्टिव वाले को यहां से हम हटा देते हैं। एक्टिव वाले को हटाने के बाद यहां पर हमें क्या करना है, सबसे नीचे जाना है, अब यहां पर क्रिएट गिथब ऐप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा गिथब ऐप क्रिएट हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू मस्ट जनरेट अ प्राइवेट की। तो यहां पर गिथब ऐप हमारा एक क्रिएट हो गई, ये हमारी एक गिथब ऐप क्रिएट हो गई, ये रही हमारी गिथब ऐप। ठीक है, तो इस ऐप को, ठीक है, ये हमारा गिथब ऐप क्रिएट हो गया। देखो इंस्टॉल्ड ऐप्स दिखा देगा, तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है इंस्टॉल टेस्टिंग डीजेंगो ऐप। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है, तो आपने कहा इंस्टॉल, ठीक है, दिस अकाउंट, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको डीजेंगो ऐप इंस्टॉल करना है, आपने कहा हाँ इंस्टॉल कर दो, तो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो एप्लीकेशंस के अंदर जब जाएंगे तो यहां पर आपका डीजेंगो ऐप बन के आ गया, देखो यहां पर आ रहा है, इस तरीके से क्रिएट हो गया डीजेंगो ऐप के नाम से। और फिर यहां पर आपको क्या कहते हैं, यहां पर जाना है और ऑथराइज्ड ऑथ, ये लिखा हुआ ऑथ ऐप, फिर डेवलपर सेटिंग्स में जाएंगे। डेवलपर सेटिंग्स में जब जाएंगे तो यहां पर देखिए दो हमने लिखा है, टेस्ट डीजेंगो ऐप और टेस्टिंग डीजेंगो ऐप, दो क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद ऑथ ऐप के अंदर जाएंगे और यहां पर जनरेट लिखा हुआ रजिस्टर अ न्यू एप्लीकेशन, तो यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बना देंगे, जो भी नाम से बनानी हो उसको क्रिएट कर लीजिएगा। ऑथेंटिकेशन वैसे तो बनानी है, तो आपको इसको अगर आप बनाना चाहते हो तो ऑथ ऐप क्रिएट करना चाहते हो तो बना लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है, क्रिएट करना चाहे रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एनीवेज, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उस इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, अनइंस्टॉल, अभी के लिए हम इसको अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑथराइजेशन ऐप्स बनी हुई है। ठीक है, तो ऑथराइजेशन ऐप्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेवलपर सेटिंग्स पे जाएंगे और ऑथ ऐप्स यहाँ पर क्रिएटेड है। ठीक है, यहाँ पर ऑथ ऐप्स क्रिएट किया और यहाँ पर न्यू ऐप क्रिएट करवा देंगे, तो इसका नाम रख लेते हैं टेस्टिंग डीजेंगो ऐप। अगर आपको मतलब गिथब ऐप क्रिएट करनी है तो गिथब ऐप बना लीजिए, और अगर आपको टेस्टिंग ऑथेंटिकेशन करना है तो ऑथेंटिकेशन के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, बता रहे होम पेज में वही आप दे दीजिएगा http://, ये ध्यान रखना ये https नहीं यूज करता है, ये http यूज करता है। ठीक है, तो http://, यहां पर लिखेंगे आप django-app.universal.com। ठीक, तो यहां पर आपका ये बन गया। अब इसको आपको कुछ एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन देना है तो वो दे दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। और कॉल बैक अभी हमने आपको शेयर कराया है, ये कॉल बैक होगा, ये हमने अभी कॉल बैक आपको दिया था, ये कॉल बैक आप शेयर कर लीजिए, यहां पर लगा दीजिएगा, अभी हमने आपको शेयर कर दिया है।
कॉल बैक बता दिया शिवानी, कॉल बैक यूआरएल बता दिया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हमने ऊपर चैट पे शेयर कर दिया है, फिर से चैट पे शेयर करे दे रहे हैं, ये कॉल बैक यूआरएल होगा, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ न्यू लोगो देना है तो जैसे हमने यहाँ पर एक लोगो दे दिया अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पर हमने अपनी एप्लीकेशन का एक लोगो दे दिया, अगर आपको कुछ देना है तो वो आप दे दीजिएगा। ठीक है, हो गया, दिस इज शिवानी, और यहां पर अपडेट एप्लीकेशन या डिलीट एप्लीकेशन जो भी करना वो कर दीजिएगा, इसको अपडेट कर देते हैं। तो नाउ दिस हैज बीन क्रिएटेड, यहां पर लिखा है एप्लीकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहां पर हमारे पास एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, दिस टेस्टिंग डीजेंगो ऐप। बन गया सभी का? ओके पंकज, ओके। तो यहां पर अब क्या करना है, जब हम इस ऐप को खोलेंगे तो यहां पर हमें दो चीजें दिखेंगी, यहाँ पर एक क्लाइंट आईडी ये दिख रही है और एक हमारे पास एक सीक्रेट की दिख रही है, दिख रही है? तो इस क्लाइंट आईडी को और इस वो सीक्रेट की को आपको अपने पास रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहां पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर डीजेंगो ये लिखा हुआ है, सोशल डीजेंगो इस नाम की एक ऐप क्रिएट करनी है सोशल डीजेंगो के नाम से, और इस डीजेंगो के नाम से आपको क्या करना है, अपनी जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर आना है और जहां पर ये settings.py बना था इसके अंदर जाना है। मिल गया सभी को? ये लिखा हुआ है, देखो यहां पर जैसे लिखा हुआ है सोशल डीजेंगो, तो ये सोशल डीजेंगो लिखा हुआ है, सोशल डीजेंगो को कॉपी कर लीजिए, social_django ये लिखा हुआ, I'm sharing this one, इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इसको अपनी सेटिंग्स के अंदर जाके लाके पेस्ट कर दीजिए जहां पर ये सारी एप्स बनाते हो आप। कर दिया पेस्ट? Guys, done it or not? Okay, Mrityunjay. Okay, Pankaj. Shivani, have you done? ओके शिवानी,
Now what next we have to do? अगला क्या क्या काम करना है? जो हमारे पास ये बना है, इसको जो एप्लीकेशन हमने ऐड करी है, इस एप्लीकेशन को ऐड करने के बाद एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? टर्मिनल खोलना पड़ेगा, और टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माइग्रेट। बैकग्राउंड कलर वगैरह मत चूज करो, सिंपली छोड़ दो उसको। बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे ही रखो बस। एक लोगो दे देना ताकि अब वो पहचान में रहे कि आप आपकी एप्लीकेशन ऐड कर ली है। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाय। और माइग्रेट, एक बार अपनी एप्लीकेशन को क्या कर दीजिएगा? माइग्रेट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही वो माइग्रेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपका फिर से प्रॉम्प्ट यहां पर दिखना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट यहां पर क्या करना, इस जगह पर आना है और मिडिल वेयर यहां पर दिया हुआ है, तो इस जगह पर हमें मिडिल वेयर में एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे और मिडिल वेयर में यहां पर एक ऐड करना पड़ेगा, सोशल मीडिया, दिस वन। तो आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, यहां पर हमने ये ऐड किया, ये कॉपी कर लीजिएगा, उसको पेस्ट कर दीजिएगा यहां पर, ये जो सेटिंग्स लिखा हुआ है, सेटिंग्स के नीचे यहां पर, यहां पर ये सारे एक्स फ्रेम ऑप्शंस, मिडिलवेयर, ये सारे लिखे हुए हैं, यहां पर लाके इसको ऐड कर दीजिए जो हमने आपको शेयर किया है। तो सोशल अंडरस्कोर डीजेंगो मिडिलवेयर डॉट सोशल ऑथ, ठीक, एक्सेप्शन मिडिलवेयर, ये आपको ऐड करवाना है। कर दिया सभी लोगों ने? Yes or no, done? Guys, please tell me if you have done or not. Yeah, now what you need to add, अब यहां पर हमें ये जो टेम्पलेट्स दिया होता है, इस टेम्पलेट्स के अंदर हमें यहाँ पर नीचे के साइड में ये दो चीजें और ऐड करवानी है, बैकएंड्स और रीडायरेक्ट। ये भी हम आपको शेयर कर दे रहे हैं और इसको आप ऐड कर दीजिएगा, बैकएंड्स और रीडायरेक्ट। तो इसको हमने यहां से कॉपी किया और अपने जेंगो के अंदर लाके दे दी, रख दिया यहां पर। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा शायद। ये ऐड करना है टेम्पलेट्स के अंदर, ये जो ऐड करना है ये टेम्पलेट्स के अंदर ऐड करना है।
यस पंकज, मृत्युंजय, शिवानी, बताएं हो गया इतना? यस हो गया गाइस, बन गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बैकएंड्स लिखा हुआ है, तो उस ऑथेंटिकेशन बैकएंड्स को कॉपी करेंगे एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल अगेन। और इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये पूरा आपका यहाँ से कॉपी हो जाएगा और जहां पर ये टेम्पलेट्स खत्म होता है उस टेम्पलेट्स के नीचे लाके इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ओके नाउ व्हाट नीड टू डू। अब आगे हमें क्या करना है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें गिथब के लिए जो एप्लीकेशन बनाई थी उसके लिए एक यूआरएल सेट करवाना पड़ेगा। तो यूआरएल सेट कराने के लिए हमें यहाँ पर ये वाला यूआरएल चूज करना है, दिस वन। तो ये वाला यूआरएल हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको हम अपने सेटिंग्स के नीचे जो यूआरएल दिया होता है वहां पर जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर जो यूआरएल दिया होता है वहां पर जाएंगे। यहाँ पर ये जो सेटिंग्स के नीचे यूआरएल दिया होता है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम एक यूआरएल ऐड करवा देंगे। कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर और इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे पाथ। और ये पूरा ऐसे का ऐसा ही रहेगा सोशल। हो गया गाइस, कर लिया। कर दिया गाइस, डन गाइस, प्लीज रिप्लाई कर दिया करिए कि हाँ यहाँ पर ये आपने कर लिया है, ये पाथ है मृत्युंजय, ये पाथ रखा हुआ है, दिस 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 द पाथ, आई एम शेयरिंग दिस पाथ विद यू ऑल, ये पाथ है आपका। ओके
नाउ व्हाट नीड टू डू, अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हमने ये पाथ ऐड कर लिया, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हमें होम बनाना तो हम होम बना सकते हैं, क्या कहते हैं रिडायरेक्ट बनाना है तो रिडायरेक्ट बना सकते हैं, तो यहाँ पर लॉग इन रिडायरेक्ट यूआरएल अगर आप ये देना चाहते हैं तो ये दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ बनेगा, उसी यूआरएल सेटिंग्स के लास्ट के अंदर, सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे लॉग इन रिडायरेक्ट यूआरएल। हाँ हाँ पाथ लिखा है ना, यहाँ पर देखो पाथ लिखा है कि नहीं, ये देखो लिखा हुआ पाथ, कर दिया गाइस। ओके नेक्स्ट आगे क्या करना है, इतना करने के बाद अब हमें थोड़ा सा व्यूज पे जाना है, और व्यूज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमने जैसे इस तरीके से एक व्यू बनाया हुआ है लॉगिन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपने लॉगिन रिक्वायर्ड जैसे होम लिखा है तो इसी होम को हम कॉपी कर लेंगे, इस होम को कॉपी करने के बाद इस अपने वाले प्रोजेक्ट के व्यूज पे जाएंगे और यहाँ पर हम एक व्यू क्रिएट करा देंगे होम के नाम से, दिस इज योर होम, और यहाँ पर आप जिस पेज को ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है स्पेशल, तो यहाँ पर हमने स्पेशल नाम से अपना एक क्रिएट कर दिया, ठीक। और इसी तरीके से जो यूआरएल हमने बनाया उस यूआरएल को यहाँ पर हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूआरएल ऐड कर दिया सिंगल कोट्स के अंदर स्पेशल, स्पेशल के बाद कॉमा व्यूज डॉट होम, और होम के अंदर यहां पर हमने सिंगल कोट्स के अंदर दे दिया स्पेशल। कर दिया सभी लोगों ने, तो जो हमने व्यूज बनाया उसका एक यूआरएल ऐड कर देना, कर दिया यस ओ नो, प्लीज टाइप यस ओ नो, इज दैट क्लियर टू यू ऑल। अब व्हाट वी नीड टू डू, अब यहां पर जब हम पेज बनाएंगे तो ये पेज ऐसे का ऐसे छोड़ दीजिए, इसको हमें नहीं बनाना है क्योंकि यहां पर हमारे पास ये चीज ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब गिटहब ऑथेंटिकेशन ये सब पूरा हमने ऑलरेडी कर रखा है, हमें इसकी नहीं मतलब है, ठीक है। यहाँ पर गिटहब ऑथ के लिए ये सब क्रिएट किया हुआ है, ये सब पूरा हमारा बना हुआ है, जो मेन चीज रह गई है वो हमारे पास ये रह गई क्लाइंट आईडी, तो ये हम गिटहब की जो क्लाइंट आईडी है ये हम कॉपी कर लेंगे, तो हम सभी को शेयर कर दे रहे हैं कि ये इस तरीके से लिखना है सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर, सीधा सीधा इसको कॉपी कर लीजिएगा। कर दिया, तो यहां पर ये जो हमने अभी कॉपी किया है, ये जो आपको हमने भेजा है, इसको हम क्या करेंगे, यहां से इसको सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर जाएंगे, वापस से सेटिंग्स डॉट पाई ओपन किया, हियर इट इज योर सेटिंग्स डॉट पाई, और जहां पर होम डाला इसके नीचे लाके पेस्ट कर देंगे, तो गिटहब की जो है हमारी, जो हमारे पास गिटहब की बनी हुई है इसके अंदर जो हमारी की थी वो हम यहां से कॉपी कर लेंगे, तो दिस इज माय की, ये हमने की यहां पर डाल दी, और इसके नीचे यहां पर दिया हुआ है गिटहब सीक्रेट की, वो हम यहां से कट करेंगे और इसको लाके यहां पर पेस्ट कर देंगे।
कर दिया सभी लोगों ने। यहां से हमने उसकी अपनी सीक्रेट की निकाली और इसको उठा के हमने वहां पर लाके पेस्ट कर दिया। ओके गाइस, अब लास्ट काम बचा है, लास्ट एंड फाइनल काम हमारे पास ये बचा हुआ है कि जब हम यहाँ पर ये क्या कहते हैं ऐड करवा रहे हैं तो अब हमें व्यू बनाना है। तो व्यू बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस लिंक अगेन और इसको आप अपने लॉगिन पेज के अंदर उठा के पेस्ट कर दीजिएगा, कहीं पर भी पेस्ट कर दीजिएगा, वो लॉगिन पेज के अंदर पेस्ट कर देना है। तो यहां से हमने लॉगिन पेज बनाया जो था वो लॉगिन पेज खोला और जहां पर हमारा ये नॉट अ मेंबर लिखा हुआ था उससे पहले फॉरगेट पासवर्ड है फिर नॉट अ मेंबर है, ठीक है। तो इसी के नीचे फॉरगेट पासवर्ड के नीचे ही और करके यहां पर लिख देंगे इस तरीके से। कर दिया सभी लोगों ने, ओके कर दिया सभी लोगों ने, यस और नो। इस तरीके से हम यहाँ पर अपना वो करेंगे और अब ये पेज हमारा इस तरीके से रेंडर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हम यहाँ पर हमारे पास ये काम कर रहा है कि नहीं। तो एक बार हम सर्वर अपना स्टार्टअप करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने किया रन सर्वर, तो पाइथन मैनेज डॉट पाई Yes, तो ये हमारा पेज रन कर गया। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम ओवर हियर, एसटीआर वेयर इट इज, एसटीआर इज नॉट कनेक्टिंग, लाइन नंबर 17 बेस डॉट एचटीएमएल। ओके तो यहां पर इस जगह पर यूज डॉट पाई बनाया था, यह इंडेक्स पेज हो गया। Just a second guys, there is any problem over here, so I'll just remove it. Oh, sorry, here it is, the name. Yep, now it is working. So, ये हमारे पास पेज हो गया और इसके बाद हमने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया तो ये हमारा लॉगिन पेज आ गया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको किससे लॉगिन करना है, अगर आपको अपना वाला लॉगिन करना है तो आप अपने से लॉगिन करें, नहीं तो गिथहब से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने गिथहब पे क्लिक किया एंड सी यहाँ पर हमारे पास अपनी ऐप बन गई, टेस्टिंग डी जेंगो ऐप। यहाँ पर हमारे पास ऐप का नाम आ गया और चेक कर लेते हैं कि यह हमारा ऐप सक्सेसफुल किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखा है ऑथराइज अभिनय श्रीवास्तव, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑथराइज करते हैं। तो हमने कहा हाँ ऑथराइज कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली हमें कहाँ लेके चला जाएगा, नो रिवर्स मैपिंग ऑथ होम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये होम जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि ये होम मेरे पास नहीं है, ठीक है। होम कहाँ पर है ये नहीं पता चल रहा है ये तब के लिए, मतलब उसको यहां पर चेक करने के लिए। तो लेट्स डू वन थिंग,
यूज डॉट पाई बनाया है, होम लिखा है, स्पेशल ठीक तो है, होम नॉट फाउंड होम कह रहा है। सो लेट मी चेक वन थिंग अगेन। देखिए आप लोगों का चल गया कि नहीं चला, यस लॉगिन, ये यहां पर हमारा लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है गाइस, यहां पर हमारा ये लॉगिन हो गया। देखिए यहां पर हमारा नाम लिख के आ रहा है अभिनय श्रीवास्तव के नाम से। तो इस तरीके से हमने अपनी ऐप को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है अपने गिथब के अकाउंट के साथ में। ओके गाइस, यस और नो, यहां पर हमने गिथब अकाउंट के साथ में अपना, यहां पर देखिए यहां पर पहला जो भी हमने लिखा, सपोज हमने इसको बंद किया, लॉग आउट कर दिया, अब यहां से लॉग इन करते हैं। तो अगर हमने लॉग इन किया तो हमने सपोज किससे लॉग इन किया था, लोकल होस्ट पहले खोलते हैं, यहां पर हमने लोकल होस्ट ओपन किया और माई साइट के अंदर गए, क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन बनी वो माई साइट के नाम से बनी हुई है। तो माय साइट के अंदर यहाँ पर देखो ऑथेंटिकेशन कोड एंड ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं। यहाँ पर हमने लॉगिन किससे कराना था, यहाँ पर अभिनय के नाम से लॉगिन कराना था। या तो यहां से भी हम लॉगिन कर सकते हैं ABHIN Y, और यहाँ पर हमने पासवर्ड दिया 12 UNIP UNIP34@। अगर ये यहां से लॉगिन होता है देखिए तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दे रहा है, ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दे रहा है, तो इसका मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ है। तो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग माई पासवर्ड, सो आई जस्ट फॉरगेट माई पासवर्ड, आई एम यहां पर क्या लिखते हैं ABHIN Y4@gmail.com। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, अपने ईमेल अकाउंट पर अपना एक पासवर्ड रीसेट करने के लिए भेज दिया। ठीक, पासवर्ड मेरा रीसेट होने के लिए चला गया। अब यहां से हमने जीमेल अपना अकाउंट ओपन किया, यहां पर हमने जीमेल से अपना अभिनय फॉर वर्क दिया, यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ, यहां पर हमारे पास एक पासवर्ड आ जाएगा रीसेट करने के लिए, पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो हियर इट इज माय पासवर्ड रीसेटिंग, यहां से पासवर्ड रीसेट करने के लिए आया, यहां से हमने बैक किया और इस जगह पर हम अपना पासवर्ड दे देते हैं, ये दे दिया
12unib34@the rate. तो ये हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया. ओके, तो हमारा पासवर्ड जब रीसेट हो गया, नाउ व्हाट नीड टू डू. अभिनय 12unib34@the rate. तो यहां से हमने सबमिट किया. यहां से तो लॉग आउट हो रहा है. यहां से लॉग इन करें. athinby12unib34@the rate. यस, तो यहां से देखिए, यहां पर हमारा ये लॉग इन हो गया. ठीक है, तो देखिए यहां से अगर हम लॉग इन करें, मतलब अपने अकाउंट से यहां से लॉग इन करते हैं, अगर हम अपने अकाउंट से लॉग इन करते हैं, तो यहां पर नाम हमारा क्या देता है, अभिनय देता है. देखिए यहां से हमारा नाम क्या दे रहा है, अभिनय. ठीक है, समझ में आया. यहां से अगर हम अपना नाम देते हैं तो यहां से ये दिखाता है अभिनय, केवल अभिनय दिखाता है. और अगर हम इसको लॉग आउट कर देते हैं और लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉग इन करते हैं और यहां से गिथब से लॉग इन करते हैं, तो जब गिथब से लॉग इन करते हैं तो यहां पर हमारा नाम शो करता है, अभिनय श्रीवास्तव पूरा. So, is that clear everyone? Yes or no? Is that clear everyone? Yes, Pankaj. Pankaj, is that clear? Pankaj, is that clear? यस शिवानी, मृत्युंजय, आप लोगों का हुआ लॉगिन, हो रहा है कि नहीं, देखो लॉगिन हो रहा है कि नहीं. इज इट लॉगिंग सक्सेसफुली और नॉट. इज इट लॉगिंग सक्सेसफुली और नॉट. लॉगिन हो रहा है मनस्वी, आपका नाम लिख के आ रहा है. देखिए यहां पर जो आपने गिथब अकाउंट जिससे बनाया था उससे लॉगिन हो रहा है कि नहीं. यहां पर जो हमारा नाम लिखा हुआ है, यहां पर देखो मेरे पास हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या लिखा हुआ है, यहां पर मेरा नाम लिखा है अभिनय श्रीवास्तव. ठीक है, जो नाम हमारा यहां पर लिखा हुआ है वही हमारी एप्लीकेशन में यहां पर आ रहा है इस जगह पर. पंकज लॉगिन क्यों नहीं हो रहा. बाकी मृत्युंजय शिवानी आप लोगों का हो रहा है कि नहीं. मॉड्यूल नॉट फाउंड, माइग्रेटिंग मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल नहीं मिल रहा है. माय नेम इज चेंज्ड इन लॉगिन, लॉगिंग इन कहां पर. सोशल अंडरस्कोर डीजेंगो है डियर मृत्युंजय, सोशल अंडरस्कोर डीजेंगो है, सोशल अंडरस्कोर डीजेंगो है ये लिखना है. तो सोशल अंडरस्कोर डीजेंगो लिखो ना, तभी तो मॉड्यूल नहीं मिल रहा होगा उसको. मनस्वी कहां पर आपका ये दिखा रहा है, केवल यही आ रहा है क्या, यू आर लॉग्ड इन, बस केवल इतना ही दिखा रहा है क्या.
ये चीज नहीं आ रही इस तरीके से। मनस्वी हाँ, तो यहाँ पर एक काम करिए ना, यहाँ पर आप क्या कहते हैं, जो आपने सोशल या स्पेशल डॉट एचटीएमएल बनाया है, इसके अंदर एक लिंक क्रिएट करो। इस जगह पर एक लिंक क्रिएट करिएगा, जहां पर ये लॉगआउट बटन लगा है उसके नीचे, उसके बगल में सॉरी, ठीक है, उसी के यहाँ पर नीचे के साइड में यहाँ पर क्या लिखना होगा, हाई और अंडरस्कोर डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखिए यूजर डॉट यूजर नेम। ओके मनस्वी, तो इस तरीके से आप अपना नाम वहां पर नेविगेशन बार पे दिखा पाओगे। तो यहां पर आपका नेविगेशन बार पे आपका जिससे भी जो भी नाम होगा, आपने जिस नाम से अकाउंट बनाया होगा, वो नाम आपका यहां पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? Is that clear now? हो गया? शिवानी, where is शिवानी? आपका नाम शो हो रहा है कि नहीं? जिससे नाम से अकाउंट बनाया आपने उसका नाम शो हो रहा है? ओके ओके, ठीक है, बढ़िया। तो क्लियर, समझ में आया कि नहीं कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, ये समझ में आ गया कि नहीं? बस सिंपल सा है। अब इसके बाद अगर हमें जैसे मान लेते हैं कि हमें फेसबुक से लॉगिन करना है, तो हम फेसबुक से लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे? तो फेसबुक से लॉगिन करने के लिए हम वापस से अपनी लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर जाएंगे, और यहां पर लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर जाने के बाद यहां से आपको फेसबुक के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम आपको शेयर कराते हैं। ये ट्विटर अकाउंट के लिए है, फेसबुक के लिए यहां पर आपको फेसबुक वाला यूज करना पड़ेगा। तो फेसबुक का लिंक आएगा ये रहा, यहां से फेसबुक के लिए लिंक आपको ये चाहिए होगा। तो यहां से आपने फेसबुक के लिए लिंक लिया, ये वाला लिंक कॉपी किया, सोशल कॉलन बिगिन और फेसबुक ये लिखा हुआ, तो इसको केवल आपको कॉपी करना है, नथिंग एल्स। इसको कॉपी करने के बाद इसी डिवीजन के नीचे, मतलब अगर आप इसी डिवीजन में चाहते हो जहां पर आप ये लगा रहे हैं, इसी के नीचे आप यहां पर ऐड कर दीजिए। तो एक बी आर टैग आपने पहले ही लगा रखा है, ये आ जाएगा फेसबुक के लिए, ठीक। तो फेसबुक के लिए अकाउंट बनाने के लिए बहुत ईजी सा काम करना है। ओके, इतना कर दिया गाइस। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस लिंक टू यू ऑल, जस्ट कॉपी पेस्ट इनसाइड अंडर गिथहब अकाउंट। तो यहां पर ये चीज पेस्ट कर दीजिए गाइस, आई हैव शेयर्ड दिस थिंग। तो इसको आप उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपने उसमें।
जहां पर आपने गिथअप वाला लगाया था उसी के नीचे आप फेसबुक वाला लगा दीजिएगा। ओके गाइस, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब हमें यहां पर क्या करना है, अपने वेब पेज पर जाइएगा, बस केवल इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना, केवल आपको यहाँ पर इतना सा काम करना और एक फेसबुक अकाउंट बनाना। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक की निकाली थी उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक एपीआई की निकालनी है और उस एपीआई की को लाके पेस्ट कर देना है, सिंपली एज सिंपल। ठीक है, तो क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आप साइट पर जाओ, सभी लोग जाइएगा, सभी लोग यहाँ पर लिखें developers.facebook login, यहाँ पर आ जाएगा developers.facebook.com, developers.facebook login, इस पर जाइएगा और यहाँ पर जाने के बाद Facebook for Developers लिखा हुआ है, Facebook for Developers, और इस लिंक को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो Facebook for Developers ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको क्या करना है इस जगह पर, ठीक है, यहां पर आपका लिखा हुआ है माई एप्स के नाम से, यहां पर माई एप्स लिखा है, दिख रहा है सभी लोगों को, मिला नहीं, येस और नो प्लीज टाइप येस और नो इफ यू गॉट इट और नॉट। गाइस मिल गया कि नहीं, ओके, सो नाउ क्लिक ऑन माय एप्स, यहां पर माय एप्स पे क्लिक करिएगा। तो जैसे आप माय एप्स पे क्लिक करेंगे तो आई ऑलरेडी डेवलप्ड सम एप्स ओवर हियर, मैंने हमने यहां पर कई सारे एप्स बनाए थे, बेसिकली दोनों एंड्रॉइड के लिए बनाए थे। तो जो हमारे पास यहाँ पर बना हुआ था, दो एप्स ऑलरेडी बनी हुई है, आपके पास अभी कोई ऐप नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आई, तो यहाँ पर आपको नई ऐप क्रिएट करनी है, तो एड ए न्यू ऐप, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू ऐप क्रिएट करेंगे और जिस नाम से आपको ऐप बनानी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे हमने लिखा टेस्टिंग डी जेंगो ऐप, यहाँ पर हमने टेस्टिंग डी जेंगो ऐप के नाम से क्रिएट किया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके गाइस, नाम दे दिया आप लोगों ने, यस और नो, गाइस प्लीज आंसर। मनस्वी, शिवानी, पंकज, तो नाउ यहां पर आ जाएगा क्रिएट ऐप आईडी, तो यहां से हम एक ऐप आईडी क्रिएट करेंगे और जब हम ऐप आईडी क्रिएट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा सिक्योरिटी चेक, ठीक है, आई एम अ रोबोट और नॉट, तो यहां पर लिखा है, इसको क्लिक किया तो ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कह रहा है पाम ट्रीज बताओ कहां कहां पर है, तो ये पाम ट्रीज है यहां पर, ठीक, हमने इसको वेरीफाई किया, तो अगर वेरीफाई किया और आई एम नॉट रोबोट तो इसको हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक नई ऐप क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक नई ऐप के लिए हमारे पास क्या मिल जाएगी, एक आईडी मिल गई। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आईडी मिल गई, तो इसको कॉपी करके रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्स मिलेंगी, बहुत सारी चीजों के लिए मिलेंगी। ठीक,
ठीक है, आप जिस चीज के लिए काम करना चाहते हैं, जिस ऐप के लिए काम करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे फेसबुक लॉग इन करने के लिए, ठीक है, फेसबुक से लॉग इन करने के लिए या उसके ऑथेंटिकेशन करने के लिए, जो भी है, ठीक है, समझ में आया। तो जो भी आपको यहाँ पर यूज करना है, ऑडियंस नेटवर्क है, एनालिटिक्स है, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो आप यूज करने के लिए, जिसके लिए यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अभी के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फेसबुक लॉग इन, ठीक है। तो फेसबुक लॉग इन पर सेटअप किया हमने, तो ये सेटअप चल जाएगा। अब ये जो लॉग इन है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, वेब के लिए होगा, फेसबुक लॉग इन के लिए लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमने वेब के लिए चूज किया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो इस जगह पर, तो ये आपसे कह रहा है कि developers.facebook.com पे जाओ, यहाँ पर आपका ऐप को क्रिएट करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो वेब ऐड करने के लिए कहेगा, यहाँ पर आप आईडी बना लीजिएगा, और उस आईडी के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं, इज दैट ओके, यस और नो, ठीक। तो यहां पर डैशबोर्ड पर गए, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर ऐप क्यों ऐड कर, ओके, चलिए। तो ये आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर फेसबुक लॉगिन पर जब आएंगे, यहाँ पर हमने इसको व्यू डिटेल्स पर क्लिक किया, ठीक है। तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इस जगह पर आपको मिलेगा सेटिंग्स, बेसिक्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। बेसिक्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना डोमेन देना पड़ेगा, ऑल डोमेन कर दीजिएगा, या जो भी डोमेन देना है वो डोमेन आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा universal.com, ये हमने अपना डोमेन दे दिया, ठीक है। कोई इमेज लगानी है तो इमेज लगा दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको ये URL पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, ये सारी चीजें, नेम स्पेस, तो कंट्री आप चूज कर लीजिए यहाँ पर, किस कंट्री के लिए बनाना है, सॉरी कैटेगरी, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन क्या करना है, किसके लिए यूज करना है, नेटवर्किंग, डेटिंग, व्हाटएवर, ठीक, एजुकेशन, जो भी आपको रखना है, तो यहाँ पर आप भी आपका कैटेगरी चूज कर लीजिए, और फिर इसके बाद सेव चेंजेस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेव चेंजेस करेंगे, गाइस जस्ट
टर्न ऑफ योर वीडियो, देन सेव चेंजेस करने के बाद यहां पर आपने उसके सेव चेंजेस को सेव कर दिया। अब चेंजेस को सेव करने के बाद नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, एडवांस सेटिंग्स पे जाना है। और एडवांस के अंदर यहां पर एक जगह पर ये लिखा हुआ बेसिक्स के अंदर लिखा होता है, ओके सो दिस इज योर ऐप आईडी। और यहां पर नीचे की तरफ आएंगे प्रोडक्ट के अंदर सेटिंग्स में, प्रोडक्ट के अंदर सेटिंग्स में जाएंगे और यहां पर इसको ये देख लेना ये यहां पर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन है कि नहीं है। अगर ये क्लाइंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन इनेबल्ड नहीं है मतलब ये डिसेबल्ड है, ठीक है, तो ये अगर नो लिखा हुआ है तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा। और अगर आप यहां पर इसको यस करके रखेंगे तो ये हमेशा लॉगिन के लिए कहेगा, ठीक। फिर आपको वैलिड यूजर मतलब जो आपने वो करना ऑथेंटिकेशन करवाना है जिसके लिए, तो वो आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे हमने अभी लास्ट टाइम अभी आपको बताया कि उसके लिए लिंक दिया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी लिंक दिया था आपको, शेयर किया था, What was that? हाँ, here it is. This is my link up. तो ये GitHub के लिए था, जैसे ये GitHub के लिए था उसी तरीके से हम यहाँ पर दे देते हैं http://127.0.0.1, ठीक। और ऑथेंटिकेशन :8000/, तो ये हमारा URL होगा जिसके थ्रू ये हम वो करेंगे, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन रीडायरेक्ट URL होगा, मतलब इसको आप चाहे तो दे सकते हो, चाहे आप ये वाला इसको आप कर लीजिए, इसको आपने ये यूज किया और डी ऑथराइज कॉल बैक URL, ठीक तो लेट 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 मी चेक वन थिंग, यहां पर आ जाना चाहिए। यस, ये वाला हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपका ये सक्सेसफुल हो जाता है लॉगिन तो ये इस पर आ जाए। तो अगर ऑथराइजेशन हो जाता है मतलब वैलिडेशन सक्सेसफुल हुआ और वापस आ जाएगा तो ये लॉग इन करके दिखाते हैं कि ये इस वाले पर हो गया है या इस वाले पर आ गया है। तो यहां से आपने उसको ये बता दिया फेसबुक को कि अगर आपका ठीक है ऑथेंटिकेशन हो जाता है सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करे ऑटोमेटिकली इस वाले लिंक पर भेज दे, इस वाले http://127.0.0.1:8000/special इस पर भेज दे, ठीक है। और इसके बाद यहां पर अगर नहीं होता तो वो कहाँ भेज दे, तो वो आपका जो मेन पेज होगा ठीक है वहां पर आ जाएगा। और यहां पर क्या रहा है चेक URI, ठीक है, URI वैलिडेटर, अगर आपका वो जो लिंक है वो सही है कि नहीं है वो चेक करने के लिए। तो यहां से हमने अपने चेंजेस को सेव किया और सेव करने के बाद ये क्या बता रहा है अभी, रिक्वायर्ड दैट यू आर आई, https, ओके ये https रिक्वायर कर रहा है, देखते हैं ये https रिक्वायर कर रहा है क्या। So I'll just change with this S. So let's do checking for this. So save कर दिया हमने and changes has been saved now. तो ये हमारे changes saved हो गए। तो अब देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी Facebook के लिए ID सॉरी GitHub के लिए ID निकाली थी उसी तरीके से हमने ये वाली ID भी कॉपी करी। और अब हमें क्या करना है, बस सिंपली जो हमने लिंक बनाया था मतलब जो हमने फेसबुक अकाउंट बनाया है उसके लिए हमने सेटिंग्स में ऐड करना है।
सोशल ऑथ ये वाला, तो सोशल ऑथ वाला जो पार्ट है इसको हमने कॉपी किया। सीक्रेट की नहीं मिलती इसकी, सीक्रेट की देने की जरूरत नहीं है। इसको हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर गए और जहां पर हमने ये गिथब लगाया था उसी के नीचे लाके हम ये पेस्ट कर देंगे। और जो हमारी अकाउंट की वो है आईडी है ये वाली, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे सिंपली। तो ये हमारी अकाउंट आईडी यहाँ पर पेस्ट हो गई, ठीक। और इतना करने के बाद एक बार अपना सर्वर आप अपना बंद कर दीजिएगा, एक बार सर्वर अपना क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद फिर से रन सर्वर करिए, ठीक है। और फिर से रन सर्वर करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को रन करा के देखो। तो लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहां पर लिखा है लॉगिन विद फेसबुक, ठीक है। अब देखो ये मेरा कह रहा है कि आप सिक्योरिटी इनेबल्ड है मेरी, हमारे में सिक्योरिटी अपडेट्स इट्स सिक्योरिटी सेटिंग्स, ठीक है। अंटिल डीजेंगो ऐप अपडेट्स इट्स सिक्योरिटी सेकंड यू वोंट बी एबल टू यूज फेसबुक टू लॉग इन इनटू, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई है उसके अंदर जब तक सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं होंगे, सिक्योरिटी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगी, तब तक आप इसके ऊपर लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद आगे जाते हैं तो ये मना कर देता है, ठीक है। जो कांट लोड यूआरएल, मतलब जो लोड आपका यूआरएल होगा वो लोड ही नहीं करने दे रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि अगर आप यहां पर देखिए, जो हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, जो हम लोग एप्लीकेशन अपनी यूज करते हैं वो HTTP की होती है, और फेसबुक जो यूज करता है वो HTTPS यूज करता है, ठीक है। तो HTTPS यूज करता है, इस वजह से आप यहां पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक चीज और करके देख लेते हैं, फोर्स वेब ऑथेंटिकेशन एनफोर्स HTTPS, इसको हमने यहां पर अभी बंद करा है। इसको हम शायद डिसेबल नहीं कर सकते हैं क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, यस यस। तो देखो यहां पर ये सीधे यही कह रहा है कि लॉगिन सिक्योरिटी में अगर आप इस तरीके से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये, ठीक है, ये आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते, फेसबुक लॉगिन सेटिंग्स, ओके। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग, फेसबुक लॉगिन सेटिंग्स। तो यहां पर हम एक बार जाके देखते हैं, फेसबुक लॉगिन सेटिंग्स के अंदर जाके इसको डिसेबल करना है, ये डिसेबल्ड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। Let's check it out whether it is working or not. No, yeah, still it is not working. Let me check one thing more. देखो यहाँ पर ये Facebook का जो है ये पेज हमें render नहीं करने दे रहा, because due to security settings ये हमें हमेशा पेज को render नहीं करने दे रहा है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि आप अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हैं और अनऑथराइज एक्सेस पर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा लॉगिन करने के लिए। ये देखिए अभी भी ये क्या कह रहा है, सिक्योरिटी कनेक्शन टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन,
ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये एरर दिखा रहा है ताकि आपकी सिक्योरिटी डिसेबल्ड रहे। गैसिंग क्यों हो रहा है सर? वो इस वजह से क्योंकि यहां पर ये बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी इनेबल करके रखा हुआ है इसने। Let's do something. Yeah. Facebook doesn't allows you to log in. जब तक आपको इसकी सिक्योरिटी आप सही से नहीं अप्लाई करोगे तब तक ये आपको लॉग इन नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये इसका एक वो है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी पर वो चीज है कि आप अगर इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो ये आपको एक्सेस नहीं देगा अंटिल अनलेस जब तक आप उसको वैलिड URL वगैरह नहीं दे सकते। यहां पर ये देखिए डिसेबल करके रखा हुआ इसने, ठीक है, और अगर हम यहाँ से HTTPS हटाने की कोशिश भी करते हैं तो भी ये काम नहीं करने देगा, मतलब रजिस्टर ही नहीं करेगा बेसिकली। अगर हम यहाँ से इसको हटा भी दें और ये कहें कि http://127.0.0.1 ठीक :8000 या इसको हम लोकल होस्ट लिख लेते हैं, चलो एक बार लोकल होस्ट करके देख लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश दिस, तो वेदर इट वर्क्स और नॉट लेट मी चेक, या इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये कह रहा है कि जो http://localhost/redirects आर ऑटोमेटिकली अलाउड वाइल इन डेवलपमेंट मोड ओनली एंड डू नॉट नीड टू एडेड हेयर, तो इसको एडेड करने की जरूरत ही नहीं है, ये कह रहा है। तो अगर आप यहां पर इस तरीके से कोई सिक्योरिटी लगाएंगे तो नहीं काम करेगा, http://लगाएंगे और 127.0.0.1 अप्लाई करेंगे और /8000 लिखेंगे :8000 और फिर स्लैश लगाते हैं और फिर हम अप्लाई करके देखते हैं कि वेदर इट अलाउज टू अस और नॉट। नाउ इट इज नॉट अलाउिंग, देखो यहाँ पर लिखा हुआ HTTPS required for all redirected URIs, जितने भी URIs हैं उन सभी के लिए आपको HTTPS लगाना पड़ेगा, HTTP आप लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सारी क्या है इसकी सिक्योरिटीज हैं जो आप यहाँ पर इम्पोज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको चेंज किया, परहैप्स इसको हम चेंज करके देखते हैं तो आपका बस वही प्रॉब्लम आएगा https://127.0.0.1/8000:8000, ठीक। और इसके बाद आप यहां पर जब इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, तो ये सेव तो हो जाता है, ऑथेंटिकेशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। एक चीज और चेक करके देख लेते हैं, शायद ये अलाउ कर दे हमें, इट इज नॉट अलाउिंग, इट इज नॉट अलाउिंग टेस्ट यूजर्स, लेट मी चेक टेस्ट यूजर्स इज देयर और नॉट, परमिशंस एंड फीचर्स पे चेक करते हैं,
अच्छा, यहाँ पर आपका ये भी नहीं अप्लाई करने देगा परमिशंस के लिए भी? हमारी ऐप अभी लाइव नहीं है ना, इस वजह से ये हमारे पास ज्यादा परमिशंस नहीं है। ओके गाइस, तो ये चीज आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं सेटिंग्स के अंदर बेसिक्स में। तो दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट योर ऐप। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करके देख लीजिए। अगेन आई एम जस्ट रीडायरेक्टिंग दिस थिंग, एक बार फिर से हम इसको रन करा के दिखाते हैं। और अगर आपको GitHub से लॉगिन करना है तो GitHub से लॉगिन कर लीजिए, और अगर आपको Facebook से लॉगिन करना है तो आप Facebook से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। बट आपकी ऐप वो लाइव होनी चाहिए। अगर आपकी ये ऐप लाइव है तभी ये हमें अलाउ करेगा लॉगिन करने के लिए, अदरवाइज ये हमें लॉगिन नहीं करने दे रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इस वजह से हमें लॉगिन नहीं करने देगा, ठीक है। बिकॉज डोमेन और ये सब रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एनीवेज, अगर हम बैक करते हैं और बैक करने पर यहां पर आते हैं, लॉगिन करने पर GitHub पर जाते हैं और GitHub से लॉगिन करने की कोशिश करें तो ये हमें सक्सेसफुली लॉगिन करने देता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग अपना यहां पर लॉगिन परफॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? मृत्युंजय, मनस्वी, पंकज, शिवानी, सभी लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हमें सोशल मीडिया इंटीग्रेशन करना है अपने Django एप्लीकेशन के साथ में? सिंपल एंड इजी, बहुत सिंपल सा और इजी सा काम होता है। सो आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया अभी? टेल मी, अभी आप लोगों ने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया कि नहीं किया? कुछ शुरू किया कि नहीं? आई वॉन्ट योर प्रोजेक्ट्स, ईच एंड एवरी वन। हर किसी से हमें प्रोजेक्ट चाहिए, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट का कोई मींस नहीं है। जो भी आपको सर्टिफिकेट है उसका कोई फायदा नहीं होगा, इतना बता दें हम आपको। अंटिल अनलेस जब तक आपने अपने तरफ से कुछ एफर्ट डाल के कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, और आई नीड अ प्रोजेक्ट फ्रॉम एवरी वन, I need an, a project from everyone on tomorrow. ठीक है, जिसके अंदर कम से कम ये चीजें तो होनी चाहिए। User registration, तो जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो बना ले फटाफट। User login, ठीक है। तीसरा आपका user authentication, सेशन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट, फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल सेंडिंग, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, और लास्ट में अगर आप ऐड करना चाहो तो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। ये ऑप्शनल है, अगर इसको आपको ऐड करना है तो ऐड करिए, नहीं तो आपको इतनी चीजें तो आपकी एप्लीकेशन में होनी चाहिए। जो जो हमने पढ़ाया है वो सारी चीजें आपके एप्लीकेशन के अंदर हमें चाहिए। तो मेक श्योर कि कल तक जो आप प्रोजेक्ट अपना डिस्प्ले करो, डिमॉन्स्ट्रेट करो, तो आपके पास सारी एप्लीकेशन में ये सारी चीजें हो, वहां पर अवेलेबल हो। तो आई वॉन्ट टू सी
ईच एंड एवरी पर्सन हैज मेड योर प्रोजेक्ट। कल कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कल केवल आपका एक डाउट सेशन रखेंगे। डाउट सेशन में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाएंगी और आपका प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो प्रोजेक्ट हमें हर किसी से चाहिए जो भी कुछ है। कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक सबमिट करना हो तो फीडबैक सबमिट के लिए एक सिंपल फॉर्म बना लो, एक रजिस्ट्रेशन जैसे हम लोगों ने यूजर फॉर्म बनाया था मॉडल क्रिएट करके। मृत्युंजय, एक मॉडल क्रिएट किया था हम लोगों ने, रजिस्टर नाम से एक मॉडल क्रिएट किया था। उसी तरीके से फीडबैक नाम से एक मॉडल बना लेना, ठीक है। यूजर का नाम, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट और मैसेज, खत्म। चार फील्ड्स होंगी, टेक्स्ट फील्ड, सारी कैर फील्ड ले लेना और उसको माइग्रेट करके रजिस्टर कर देना फीडबैक में, आपका वो फीडबैक ऐड कर देगा, खत्म। ओके मृत्युंजय, इतनी चीजें आपके एप्लीकेशन के अंदर हमें चाहिए। सात चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए हर हाल में, भले ही एक चीज आप उसमें छोड़ दो। एट्थ पार्ट जो है सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, अगर नहीं भी करोगे या कर दोगे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपके बाकी ऊपर वाली चीजें नहीं है तो आई विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रोजेक्ट। आई नीड ऑल दीज थिंग्स। सभी के प्रोजेक्ट में हमें इतनी चीजें चाहिए ही चाहिए। तो गिथब तक बन गया है, बड़ी अच्छी बात है मृत्युंजय। बाकी पंकज, व्हाट अबाउट पंकज, व्हाट अबाउट शिवानी, व्हाट अबाउट मनस्वी? क्योंकि आप ही लोग पूरे इस पूरे बैच में यही चार लोग, पांच लोग एक्टिव रहते हैं, बाकी सब कोई भी एक्टिव नहीं रहता है, सबके सब इनएक्टिव रहते हैं। तो आई डोंट वॉन्ट कि हमें उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा उनके तरफ से, बट जो लोग एक्टिव रहते हैं आई वॉन्ट कि वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स को जरूर डिमॉन्स्ट्रेट करें। So, should I expect this thing कि आप लोगों से कल हमें ये मिल जाएगा प्रोजेक्ट? सो ओके, थैंक यू वेरी मच, गिव मी अ फीडबैक फॉर द टूडे सेशन। आई हैव जस्ट रेज्ड अ पोल फॉर यू, जस्ट गिव मी अ फीडबैक फॉर टूडे सेशन। एवरीवन, थैंक यू पंकज, थैंक यू मनस्वी, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शिवानी, थैंक यू फैजान। थैंक यू नवीन, थैंक यू मृत्युंजय, थैंक यू कृष्णपाल। थैंक यू अजय। Just don't leave without giving your feedback. Nobody will leave without giving your feedback. Everyone has to give their feedback. सभी लोगों को अपना feedback देना है, तो please अपना feedback जरूर दें. Nobody will leave without giving your feedback. ओके, थैंक यू प्रभात।
थैंक यू हर्ष। I want feedback from each and everyone. I want feedback from each and everyone, student. Just give me your feedback. Thank you, Nilesh. Guys, give me your feedback. Everyone, please give me your feedback. There are still 7 people left. There are still 7 people left who haven't given their feedback. Guys, don't leave class before giving your feedback. Okay guys, thank you very much. Have a nice day. Bye bye.